दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के विविध शहरों से वैभवी कार को चुराकर और उसके बाद फर्जी कागजात बनाकर उसे बेचने के अंतर्राज्यीय घोटाले का पर्दाफाश करते हुए पीसीबी पुलिस ने 1,88,00,000 कीमत की 8 लग्जरियस कार को जब्त किया है। वडोदरा सहित गुजरात और दिल्ली, राजस्थान से वैभवी यानी कि लग्जरियस कार की चोरी कर बाद फर्जी कागजात बनाकर सस्ते में बेचकर अंतर्राज्यीय घोटाला करने वाले गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें वडोदरा में रहता तरुण नाथानी नामक शख्स लंबे वक्त से इस प्रकार की लग्जरियस कार लाकर बाद सस्ते में बेचता होने की खबर के आधार पर ये घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें अपराधी वैसा राजस्थान का शकील, अहमदाबाद का गुंडू अंसारी तथा वडोदरा का तरुण नाथानी मिलकर ये अंतर्राज्यीय कार घोटाले को चलाते थे, जिसमें अपराधी शकील राजस्थान और दिल्ली से विविध विस्तारों से लग्जरियस कार की चोरी करता था और बाद गुड्डू अंसारी को फोन कर गाड़ी के फोटो भेजकर उसे ये कार को लेने बुलाता था, जिसके बाद गाड़ी के फर्जी कागजात बनाकर तरुण नाथानी ये चोरी की गई गाड़ियों को सस्ते में बेचता था। जब पीसीबी पुलिस ने 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर, 2 इनोवा क्रेटा, 1 फोर्ड एनवेयर, 1 हुंडई क्रेटा, होंडा सिटी, हुंडई i20 वैसी 8 जितनी वैभवी कार को जब्त कर कुल मिलाकर 1,88,00,000 कीमत का कार का मुद्दामान जब्त किया है, जिसमें अपराधी वैसा वडोदरा का तरुण नाथानी दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। जब वडोदरा पीसीबी पुलिस ने अपराधी का कब्जा लेने की दिशा में कार्यवाही जारी की है। एक्चुअली पुलिस कमिश्नर से को एक बात में मिली थी कि बड़ोदा सिटी में कई लग्जरी कार हैं जो आधी कीमत में उसको मिलती है, तो उन्होंने टास्क दिया पीसीबी को, पीआई इकानमिया और उनकी टीम को, तो उन्होंने वर्कआउट करने के बाद मालूम पड़ा कि कोई ऐसी एक गैंग है जो लग्जरी कार चोरी करके लेकर आती है, डॉक्यूमेंट फॉर्ज बनाती हैं और ग्राहक को अपने विश्वास में लेकर उनको ये नई कार लगभग आधी कीमत में वो दे देते हैं। तो वो तपास करने के बाद बड़ोड़ा पीसीबी ने, बड़ोड़ा पुलिस ने करीब 8 गाड़ियाँ बरामद की हैं, उसकी कीमत है लगभग 1,88,00,000 रुपया। 3 तोमदार इसमें अभी भी इन्वॉल्व हैं, सबसे बड़ा है वो तरुण नाथानी है जो अकोटा बड़ोड़ा में रहता है, दूसरा शकील है, ही इज फ्रॉम राजस्थान, और दूसरा जो गुड्डू अंसारी है वो अहमदाबाद में रहता है, शकील भी अहमदाबाद में रहता है लेकिन है राजस्थान का। एमओ ऐसी है कि जो शकील है वो अपने दोस्तों के साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से बड़ी लग्जरी कार लेकर आता है, वो उनका मीटिंग स्थल है राजस्थान में जयपुर, तो वो व्हाट्सएप पर गाड़ी का फोटो भेजेगा, गुड्डू और तरुण दोनों साथ में जाएंगे जयपुर, वहाँ जाके अपनी गाड़ी का तोलमोल करके उसको पुराने जो डॉक्यूमेंट है उसको नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जो जिसको बेचना है उसको विश्वास में लेते हैं और ये डॉक्यूमेंट ऐसे बनाते हैं कि आदमी को ऐसा लगता है फर्स्ट साइड पर कि पूरा अच्छे डॉक्यूमेंट और सही डॉक्यूमेंट है। इस तरह से उन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ निकाली हैं। तरुण नाथानी जो है अपने बड़ोड़ा का है, वो अतरे दिल्ली क्राइम ब्रांच में उसको उन्होंने पकड़ा है। हमने 8 गाड़ी रिकवर की है और आज हम यहाँ गुनाह दाखिल करते हैं और बाद में जो बाकी के जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसको डिटेक्ट करेंगे। सर, आपने बताया कि लग्जरी कार कौन-कौन? टोयोटा फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, एंडोवर है, हुंडई क्रेटा, हुंडई सिटी और हुंडई i20 है। सर, ये लगता है कि ये एक इंटरस्टेट एक बहुत बड़ा एक रैकेट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि राजस्थानी गाड़ी यहाँ आती है, दिल्ली की आती है, हरियाणा की आती है, तो इंटरस्टेट गैंग काम कर रही है। एक आदमी का काम नहीं है, वो एक आदमी उठाता है, दूसरे को देता है और तीसरे को देता है, वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ बेचता है, तो एक चैन है उसको, तो चैन को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो आने वाले समय में और भी गाड़ियां और भी लोग पकड़े? हो सकता है, वो तो इश्यू है और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो हो जाएगा।